कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर गैंगरेप का शिकार हुई मृतका के परिवार को सांत्वना देने बरेली से हाथरस जा रहे कांग्रेसी को सुभाष नगर पुलिस ने रामगंगा तिराहे पर रोक लिया। हाथरस जा रहे कांग्रेस पदाधिकारियों को पुलिस सुभाष नगर थाने ले आई। इस दौरान कहा गया कि पुलिस का ये रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लिहाजा वह हाथरस मृतका के परिवार को सांत्वना देने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष जी अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर सुबह हमें मैसेज मिला कि हम लोगों को हाथरस पहुंचना है और हाथरस हम सभी बरेली के कार्यकर्ता यहां से निकले थे क्योंकि हम लोग न्याय की मांग करने जा रहे थे। पार्टी का आह्वान था, हम लोग हाथरस के लिए रवाना हुए। पुलिस ने हमें यहाँ सुभाष नगर पुलिस ने रामगंगा तिराहे पर हमें यहाँ रोक करके और थाने लेकर के आई है और इसे हम लोग पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या मानते हैं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें हम वहाँ उस परिवार को सांत्वना देने के लिए पार्टी पूरी वहाँ मौजूद है, पार्टी वहाँ गई हुई है, हम लोग भी उसमें सम्मिलित होने जा रहे थे और पुलिस के बल पर इस तरह से हमें रोकना ये हमारे भी अधिकारों का हनन है तो हम इसका विरोध भी करते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया, हम लोग थाने पर मौजूद हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर हाथरस की जो बेटी जिसके साथ बलात्कार किया गया है, चार लोगों ने बलात्कार किया है, उसकी मौत भी हो गई है और उसकी डेथ बॉडी पुलिस ने उसके परिवार को नहीं सौंपी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कोरोना कोविड में भी ये काम नहीं हो रहा है जिस तरह से पुलिस ने वहाँ किया है। ये घिनौना कृत्य है, ये योगी सरकार की विफलता है और योगी सरकार जब जब विफल होती है तो पुलिस को आगे करके हम लोग हम लोग आज सुबह बरेली से निकले थे और रामगंगा पुल से पहले जो बैरियर है जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ भारी पुलिस बल अपने अपने यहाँ IPS हैं, कोई साजमिया खान साहब और इंस्पेक्टर साहब, तमाम पुलिस के साथ कोई मजिस्ट्रेट साहब, सब ने रास्ता रोक कर हमको गिरफ्तार किया। हम लोगों ने जाने का प्रयास किया, दूसरे तो भागने का प्रयास भी किया लेकिन जो कि जोरदार प्रदर्शन के बीच उनकी पुलिस बल पर हम लोगों ने उन्होंने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने हमको थाने ले आए। हम लोग अभी क्योंकि काफ़ी लोग निकल गए थे उधर से और हम लोग करीब 20-25-30 लोग अभी यहाँ पर हैं और लगभग और भी कई जगह गिरफ्तार हुए हैं, बरेली से आगे भी गिरफ्तार हुए हैं तो हम लोग यहाँ पर 20-25 लोग गिरफ्तार हुए हैं।